Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Allah Rabbul Izzat Quran Majeed mein irshad farmate hain, momino islam mein pura pura dahil ho jao aur shaitan ke piche na chalo, wo to tumhara sari dushman hai. Viewers, is ayat mein Allah Rabbul Izzat momino se farma rahe hain ke momino islam mein pura pura dahil ho jao, यानी कि सिर्फ नाम के मुसलमान ना बनो बल्कि वो काम करो जो तुम्हें इस्लाम कहता है. फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं और शैतान के पीछे ना चलो, वो तो तुम्हारा सरी दुश्मन है. यानी कि जिस रास्ते पर शैतान तुम्हें चलने को कहता है उस रास्ते पर ना चलो, जबकि तुम साफ साफ जानते हो कि शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है. लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी शैतान के रास्ते पर चलते हैं. हैर, अब सबसे पहला सवाल के शैतान का मतलब क्या है और शैतान का मकसद क्या है. व्यूअर्स, शैतान अरेबिक जुबान का लफ्ज है और शैतान का मतलब दुश्मन, मुहालिफत करने वाला और गुनाह की असली रूह. व्यूअर्स, यहाँ पर रूह का मतलब रास्ता है, यानी कि गुनाह का असली रास्ता. सादा अल्फाज में बताऊं तो गुनाह का रास्ता दिखाने वाला, गुनाह को बनाने वाला और गुनाह पर चलाने वाला. ये जो गुनाह पर चलाने वाला, जो गुनाह को दिखाने वाला और जो गुनाह को बनाने वाला है ना, यही शैतान है. आज से लाखों करोड़ों साल पहले जब इंसानों के अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत की दूसरी महलूक यानी कि जिन्नात इस दुनिया पर रहते थे, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान यानी कि इबलीस को पैदा किया. व्यूअर्स, अब ये बात समझने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर यानी कि हर जमाने में हम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने प्यारे नबी और पैगंबरों को इस दुनिया में इंसानी शक्ल देकर भेजा. इसी तरह हम इंसानों के अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात की हिदायत और रहनुमाई के लिए भी अपने प्यारे नबी और पैगंबरों को जिन्नात की शक्ल देकर इस दुनिया में भेजा. यानी कि कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों में इंसानी शक्ल वाले नबी और जिन्नात में जिन्नात की शक्ल वाले नबी भेजे. इसराइली रिवायात के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज से लाखों करोड़ों साल पहले जिन्नात की रहनुमाई और हिदायत के लिए जिन्नात की शक्ल में अपने प्यारे नबी और पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा. लेकिन जब भी कोई नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जिन्नात के लिए हिदायत और रहनुमाई और अल्लाह का दीन लेकर दुनिया में आता तो ये जिन्नात उस नबी को कत्ल कर देते. इसी तरह उस वक्त अगर कोई एक भी जिन अल्लाह और अल्लाह के नबियों पर ईमान ले आता तो जालिम जिन्नात उस मुसलमान जिन को भी कत्ल कर देते. जालिम जिन्नात के जुल्म सितम की वजह से मुसलमान जिन्नात हर वक्त खौफ की हालत में रहते और उस वक्त मुसलमान जिन्नात जालिम जिन्नात से बहुत डरते थे. इसी तरह करते करते वो वक्त भी आ पहुंचा जब तकरीबन जिन्नात की सारी कौम गुमराह हो गई और हर वक्त गुनाह पर गुनाह करने लगी. इस वक्त जमीन पर सिर्फ कुछ ही गिने चुने मुसलमान जिन्नात बचे थे. इबलीस भी इन्हीं मुसलमान जिन्नात में से एक जिन था. जब हर तरफ जुल्म और सितम बढ़ने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर हमला करो और किसी एक भी जालिम जिन को उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक के वो वासिले जहन्नुम ना हो जाए. अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर फरिश्तों की एक बहुत बड़ी फौज को जमीन पर उतारा गया. इसके बाद फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान पूरी रूए जमीन पर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई. चूंकि इबलीस उस वक्त नेक मुसलमान जिन्नात में से था, इस वजह से इबलीस ने फरिश्तों के साथ मिलकर जालिम जिन्नात का हादमा किया और पूरी रूए जमीन को जालिम जिन्नात के जुल्म और सितम से पाक किया. इसके बाद फरिश्ते इबलीस को पहले आसमान पर ले गए. पहले आसमान पर शैतान का नाम आबिद था. व्यूअर्स, आबिद अरेबिक जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब इबादत करने वाला है. दूसरे आसमान पर शैतान का नाम जाहिद था. व्यूअर्स, इसका मतलब मुत्तकी, परहेजगार या फिर इबादत गुजार है. तीसरे आसमान पर शैतान का नाम आरिफ था जिसका मतलब पहचानने वाला या फिर वलीउल्लाह है. चौथे आसमान पर शैतान का नाम वली था जिसका मतलब दोस्त, सरपरस्त या फिर हाकिम है. पांचवें आसमान पर शैतान का नाम तकी था जिसका मतलब परहेजगार, खुदा से डरने वाला और सीधे रास्ते पर चलने वाला है.
छठे आसमान पर शैतान का नाम हाशा था, जिसका मतलब दीनदार है। सातवें आसमान पर शैतान का नाम अजाजील या फिर इज़राइल था, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास फरिश्तों के नामों में से एक नाम है जो कि इबलीस को दिया गया। उसके बाद लोहे महफूज पर शैतान का नाम इबलीस था। व्यूअर्स, लोहे महफूज सातवें आसमान से भी ऊपर है, जिसका इलम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की पाक जात को है। इसी तरह करते करते शैतान यानी के इबलीस एक दिन फरिश्तों का सरदार बन गया। जब इबलीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया गया तो इसमें एक बीमारी पैदा हो गई और उस बीमारी का नाम तकब्बुर था, यानी के इबलीस अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक जात के अलावा अपने आप को पूरी कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर, अकलमंद और होशियार समझने लगा। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हजारों लाखों सालों की इबादत को एक ही लम्हे में इसके मुंह पर मारा और आसमान से इस मलून को भयानक जज़ायर की तरफ फेंक दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। बोला कि मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मट्टी से पैदा किया है। इसके बाद इबलीस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी, यानी कि इबलीस ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा कि ए अल्लाह देख ये वही आदम है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी, यानी कि मुझसे भी बेहतर बनाया, मुझसे भी अफजल बनाया। अगर तू मुझको कयामत के दिन तक की मोहलत दे दे तो मैं थोड़े से बंदों के अलावा आदम की सारी औलाद की जड़ें काटता रहूंगा। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, चला जा, जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा उसकी जजा जहन्नुम है और वो पूरी सजा है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत में शैतान से फरमा रहे हैं कि दफा हो जा और जो भी शख्स तेरे रास्ते पर चलेगा और पूरी जिंदगी गुनाह पर गुनाह करता रहेगा तो तुझ शैतान और उस आदमी की सजा जहन्नुम की आग है, और यकीनन वो पूरी सजा है यानी कि हमेशा के लिए सजा है जो कभी खत्म ना होगी। जब शैतान को जमीन पर उतारा गया तो शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे जमीन पर उतार दिया और हमेशा के लिए कयामत तक मरदूद करार दिया, मेरा कोई घर मुकर्रर कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, गुसलखाना यानी कि टॉयलेट तेरा घर है। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरे बैठने की क्या जगह होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, बाजार और चौक तेरे बैठने की जगह है। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरा खाना क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, हर वो खाना जिसे खाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए वो तेरा खाना है। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरे पीने के लिए क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, हर नशा आवर चीज तेरे पीने की चीज है। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरी बातें क्या होंगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, झूठ यानी कि हर वो झूठ तेरी बात होगी जो तू लोगों से बुलवाएगा। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरे पैगंबर कौन होंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, नजूमी। व्यूअर्स, नजूमी उन लोगों को कहते हैं जो इंसानों को इंसान का मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर शैतानी इलम से दिखाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर को बेहतर जानने वाला है। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरा जाल क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, औरतें तेरा जाल होंगी। व्यूअर्स, औरतें तेरा जाल होंगी से मुराद ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी बात किसी औरत को पता चल जाए तो उस बात को पूरे शहर में फैलने के लिए वक्त नहीं लगता। यानी कि कहने का मतलब यह है कि औरतें एक दूसरे की चुगली बहुत ज्यादा करती हैं और इंसानों के दरमियान नफरत पैदा करने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो यही औरतें हैं। इसी वजह से कहा गया कि शैतान का जाल औरतें हैं। इसके अलावा शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से और भी बहुत से सवाल किए। खैर, ये तो शैतान के सवालात थे। अब हम इंसानों का सवाल है कि हम इंसान शैतान से कैसे बच सकते हैं। व्यूअर्स, पहली बात कि शैतान को हजारों लाखों साल का तजर्बा है और शैतान की ताकत का अंदाजा इस आयत से लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे। यानी कि इस आयत से ये पता चलता है कि शैतान सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों को अपनी आवाज से ही बहकाता है।
कहने का मतलब यह है कि शैतान हम इंसानों को बहकाने के लिए यानी कि गुनाह करवाने के लिए अपने हाथ पांव का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपनी आवाज का इस्तेमाल करता है। वो जो कुछ हमें कहता है हम उसकी बात पर अमल करते हैं और गुनाह की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल यही है कि शैतान से कैसे बचा जाए। शैतान से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप कोई गुनाह करने लगे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम जरूर पढ़ें। दूसरी बात यह कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम जरूर पढ़ें, चाहे आप YouTube ही क्यों ना ओपन कर रहे हो। तीसरी बात यह कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों का ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर वक्त देख रहा है। इस वजह से जब भी आप गुनाह करने लगे तो ये जरूर सोच लीजिएगा कि कोई है जो मुझे देख रहा है, इससे शायद आप गुनाह से रुक जाए। और चौथी बात ये कि पांच वक्त की नमाज जरूर पढ़े। व्यूअर्स, नमाज शैतान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा यानी कि सबसे बड़ा थप्पड़ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब मुसलमानों को शैतान मर्दूद से बचने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को नेक सच्चा और एक मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह व्यूअर्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी इस्लामिक सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें शायद बहुत बड़े उलमा को बुलवाकर दीन इस्लाम और कुरान के बारे में बताए।